मेरे रास्ते से हट जा, जो सीखा आपसे सीखा। अगर आप भी बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आप ऋतिक सर की वॉर फिल्म को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शूटिंग कैसे हुई थी? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वॉर फिल्म के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बिहाइंड द सीन की, जिसे पुर्तगाल में शूट किया गया था, जहां पर एक बाइक राइडिंग का खतरनाक सीन आता है। इस सीन के बारे में डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का कहना है कि इस सीन को शूट करना काफी रिस्की था, क्योंकि नैरो गली में से हाई स्पीड से बाइक चेजिंग का सीन करना कोई आसान काम नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, सीन को शूट करने के लिए उतनी स्पीड पर कैमरामैन भी बाइक पर सवार था, और वहीं पर ट्रॉली कैमरा को इस हाई स्पीड कार में सेट किया गया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस बिहाइंड द सीन की, जिसे पुर्तगाल में शूट करने के लिए वहाँ की सरकार से परमिशन ली गई थी। जी हाँ, ये छोटा सा स्टंट सीन है जिसमें टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन एक साथ पुर्तगाल के एक ब्रिज पर भागते हुए नजर आए थे। दरअसल पुर्तगाल का ये एक मेन ब्रिज है, जिस पर परमिशन लेने की वजह से इसे 2 दिनों तक के लिए बंद किया गया था। अब बात कर लेते हैं उस बिहाइंड द सीन की, जिसमें एक कार को ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है, और वहीं पर हमारे टाइगर श्रॉफ हाई स्पीड पर बाइक को लेकर गुजरते हैं। वैसे तो ये वही कार चेजिंग वाला सीन है, लेकिन यहाँ पर लोकेशन पुर्तगाल नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका है। इस वाले सीन को भी बिल्कुल रियल तरीके से रियल लोकेशन पर जाकर शूट किया गया था। और इतना ही नहीं, इस सीन में जितने भी स्टंट दिखाए गए हैं वो सब रियल में किए गए थे। अब बात कर लेते हैं उस बिहाइंड द सीन की, जिसे शूट करने के लिए एक चॉपर बुलवाया गया था। इस सीन में हेलीकॉप्टर से जाल डालने के लिए उसे काफी नीचे लाना था। पहले तो सब इस सीन के बारे में सुनकर डर रहे थे, क्योंकि ये काफी रिस्की था और इसमें इंजरी के भी चांसेस बहुत ज्यादा थे। ऊपर से यहाँ पर बर्फ पड़ रही थी, इतनी ठंड में फिल्म की शूटिंग करना काफी चैलेंजिंग था। लेकिन फिर चैलेंज को फेस करते हुए ये वाला सीन शूट किया गया, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वॉर फिल्म के सुपरहिट सॉन्ग की, जो कि एक पार्टी सॉन्ग था। इस सॉन्ग की झलक हमें फाइटर फिल्म में भी नजर आई है। दरअसल इस वाले सीन को इटली के एक बीच पर शूट किया गया था। इसके बिहाइंड द सीन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वॉर फिल्म में दिखाई गई खतरनाक लोकेशन, बेहतरीन स्टंट और एक से बढ़कर एक फाइटिंग एक्शन सीक्वेंस, इन सब को देखकर तो ऐसा ही लगता होगा कि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा वीएफएक्स का यूज करके बनाया गया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी वॉर फिल्म के बारे में ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस फिल्म में वीएफएक्स का बिल्कुल भी ना के बराबर यूज किया गया है। इस फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया, इटली, दिल्ली, फिनलैंड जैसे लोकेशन पर की गई है। फिल्म में दिखाए गए ऋतिक सर के डोले शोले तो सभी को अच्छे लगे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऋतिक सर ने उसके लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी? जितने भी बॉडी वाले सीन हैं उनसे पहले काफी एक्सरसाइज किए जाते हैं, ताकि ये और ज्यादा अच्छे दिख सके। जैसा कि आप ऋतिक सर को यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए भी देख सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 125 करोड़ के बजट में बनी थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ की कमाई की। वैसे तो इस फिल्म में हमें ऋतिक सर के एक से बढ़कर एक फाइटिंग एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले हैं, लेकिन उनकी एंट्री तो वाकई धांसू थी। ऋतिक सर की एंट्री वाले वीएफएक्स बैकग्राउंड को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर उन्हें चॉपर से उतरते हुए दिखाया गया है, जिसे सीजीआई के द्वारा क्रिएट किया गया था। वैसे आपको इस फिल्म का कौन सा बिहाइंड द सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।